हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ 80 प्लस लाइटरूम के एक्सएमपी प्रीसेट्स। एंड इसके पहले मैंने 80 प्लस के प्रीसेट दिए थे आपको और बहुत ही आपको जी वो प्यारे लगे थे। एंड आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में बोलने लगे, भाई 80 प्लस के पैक लेकर आओ, उसमें आपने बहुत सारे अच्छे प्रीसेट दिया है। तो क्यों ना मैं भी ये सोचा कि यार मैं आप लोगों के लिए और एक 80 प्लस का पैक बनाऊँ, जिसमें कि आपको यार बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीसेट देखने को मिलेंगे। और वो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 80 प्लस के पैक। तो भाई अगर आपको डाउनलोड करना है इस प्रीसेट के पैक को, और काफ़ी अमेजिंग प्रीसेट का पैक है, तो आप लोग ज़रूर इसको इंस्टॉल करना अपने फ़ोन के अंदर और अपनी फ़ोटो के ऊपर जो है यूज़ करना है इस प्रीसेट्स को। ओके, तो आप लोग अगर ये प्रीसेट को जो है अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना, तो आपको इस वीडियो को जो है फुल वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको जो है पासवर्ड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हो या फिर ध्यान से नहीं देखोगे, तो पासवर्ड कहीं ना कहीं से मिस आउट हो सकता है, क्योंकि जो पासवर्ड है स्क्रीन के ऊपर जो पॉपअप होगा कुछ ही सेकंड्स के लिए, मतलब 2 या 3 सेकंड्स के लिए, और उसमें आपको जो है वो पासवर्ड देखना है। और पासवर्ड जो है वीडियो के अंदर जो है 3 भाग में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दो या फिर ध्यान से नहीं देखते हो, तो यार पासवर्ड मिस आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर आप अगर पीसी का जो पैक है उसको अनजिप नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सो वीडियो बेस्ट करने मोड है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ओपन कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन। और यहाँ पर से मैंने ऑलरेडी बहुत सारी फोटोज़ को इंपोर्ट कर रखा हूँ, और फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ोटोज़ को मैंने ऐड कर रखी यहाँ पर, कपल की फ़ोटो एक। टेक टाइम ऑफ लाइन्स इट मैटर्स, ओके बहुत अच्छी बात कही है इसमें भी। तो यहाँ पर ऑलरेडी कलर ग्रेड है इस फोटो के ऊपर, बट हम इसके ऊपर कुछ और कलर ग्रेडिंग करने की ट्राई करेंगे प्रीसेट की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर हम प्रीसेट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है क्या प्रोसीजर है, फिर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, चाहे हम ना रहे, चाहे तुम ना रहो। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 80 प्लस फोल्डर बना के रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको फोल्डर पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, देन सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपका जितना भी प्रीसेट यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। और पासवर्ड के लिए यार प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप लोग ध्यान से फुल वॉच करना। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रीसेट जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फोटो के ऊपर हमारे। ओके, तो इस फोटो के हिसाब से हम प्रीसेट देखते हैं। ये भी एक सही है, थोड़ा सा डार्क लुक आ रहा है, बट हमको एक समझ रहे हो ना, एक वाइब चाहिए, जैसे कि इसमें देख सकते हैं नॉर्मल फोटो में बहुत ही अच्छी वाइब क्रिएट करी है। तो और हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ कि इस फोटो के ऊपर और अच्छे से वाइब क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस प्रीसेट को आप लोग देख सकते हैं, बिफोर बता देता हूँ एंड आफ्टर। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रीसेट जो है फोटो के ऊपर काफ़ी प्यारे तरीके से बैठ गया है। ओके, तो ये भी नहीं बैठा है, ये भी इतना खास नहीं लग रहा है, बट ये जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है ओवरऑल। एक परफेक्ट इवनिंग का टाइम लग रहा है, और थोड़ा सा डार्क टोन भी आ रहा है नीचे हल्का हल्का, और ब्लू वेस भी दिख रहा है। ओके, तो काफ़ी अच्छी प्रीसेट है इस फोटो के हिसाब से, और ये वाली प्रीसेट भी अच्छी लग रही है इस फोटो के ऊपर। ओके, और ये भी ओके। और यहाँ पर आपको और भी बता देता हूँ मैं, मतलब इस फोटो के हिसाब से ना मैं प्रीसेट को चूज़ कर रहा हूँ। ये भी देख सकते काफ़ी मस्त लग रहा है, और ये भी देख सकते अच्छा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर बिफोर देखा था आपने, यहाँ पर आप लोग आफ्टर देख रहे हो, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं लग रहा है फोटो उल्टा, और अच्छी बन करा रही है हमारी। ओके, तो यहाँ पर और प्रीसेट आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फोटो के ऊपर हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर बेस्ट एक टोन आ रहा है। ओके, तो आप लोग भी ये मत समझना कि यार पहले से हमारी फोटोज़ जो है एडिट होती है थोड़ी बहुत, तो उसमें यार कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, उसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसको प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रीसेट होते ही इसलिए। तो यहाँ पर और देखते हैं हम लोग इस फोटो के हिसाब से, ठीक है। अब जितना था बेस्ट बेस्ट आपने ऊपर देख ही लिया, कितने बेस्ट प्रीसेट थे हमारे पास, में भी देख सकते काफ़ी अच्छा लग रहा है फोटो के ऊपर हमारे। ओके, तो यहाँ पर ये टोन भी देख सकते हैं, ठीक है, ये भी एकदम बेस्ट लग रहा है, देख सकते हैं HDR इफेक्ट होता है ना, जैसे बहुत से लोग यार HDR पसंद होता है कभी कभार, तो HDR इफेक्ट भी इसके अंदर है मौजूद। तो यहाँ पर बेस्ट टोन है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो इस फोटो के हिसाब से मैंने तो बहुत ही प्यारे प्यारे टोन सेलेक्ट कर लिए थे, तो आपको लोग को कैसे लगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन के ऊपर। बट हम लोग और भी फोटो के ऊपर ट्राई करते हैं,
आप लोग यार कमेंट सेक्शन में बोलते हो भाई आप सिर्फ ग्रीनिश फोटो के ऊपर ही बताते हो, तो भाई इस वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रीनिश फोटो के ऊपर नहीं बताया था स्टार्टिंग में, बट अब बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी फोटो के ऊपर कितनी अच्छी तरीके से प्रीसेट जो है वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर मैं और कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और फोटो ले लेता हूँ, यहाँ पर इस फोटो के ऊपर मैं ट्राई करूंगा, अभी आप लोग देख लीजिएगा। ये ग्रीन भी नहीं है ज़्यादा, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा येलो टाइप का है। और यहाँ पर इस फोटो को आप देख सकते हैं, इस फोटो के ऊपर ना भाई मूडी टोन काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि बैकग्राउंड में कलर एक ही है और यहाँ पर ड्रेस की जो कलर है वो भी एक है, तो फोटो के ऊपर एक मूडी वाइब बेटर अच्छा लगेगा। तो और फोटो के ऊपर मूडी वाइब अपने आप आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यार मैच कर रहा है सब कुछ एक दूसरे से, इस वजह से मूडी वाइब अपने आप बन जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई काफ़ी गजब का लग रहा है ये प्रीसेट, देख सकते हैं भाई काफ़ी मस्त लग रहा है। ये भी देख सकते हैं काफ़ी मस्त प्रीसेट से, यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओवरऑल फोटो हमारी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रही है। सी दिस, ये भी काफ़ी बेस्ट लग रहा है। अब नीचे जाएंगे और भी प्रीसेट से हमारे पास में स्पेक के अंदर, आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रीसेट चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप क्लाइंट्स की वर्क कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ बोलते हैं ना भाई कुछ भी चीज़ फोटोग्राफी रिलेटेड, अगर आप उसको थोड़ा भी कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो या थोड़ा थोड़ा भी एडिट करना चाहते हो, तो उसको ऊपर भाई प्रीसेट के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग फोटो को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है, कि जितना कलर आपकी फोटो के ऊपर अच्छा होगा उतना ही परफेक्ट आपका जो है काम दिखेगा, तो आपको उस चीज़ का ध्यान में रखना है। आपको बस कलर ठीक चूज़ करना है, और चाहे वो प्रीसेट हो या मैनुअल हो या कुछ भी हो, आप लोग बस कलर फोटो को ऊपर ध्यान से सेट करना सीख जाओगे तो भाई आपकी फ़ोटो पे भाई 4 साल लग जाएंगे और आपको भाई क्लाइंट्स अपने आप मिलेंगे। तो यहाँ तक हमारा था वीडियो आज का, तो आपको पसंद आया होगा और आपको पासवर्ड मिल गया होगा, अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला तो यार प्लीज़ इस वीडियो को वापस पूरा वॉच करना, ध्यान से वो देखते हुए आना, तो तब जाकर आपको कहीं ना कहीं रास्ते में दिख जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।